रोजगार जीएसके में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NIELIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वेरियस पोस्ट जैसे ड्राफ्टमैन सी, लैब असिस्टेंट बी, लैब असिस्टेंट ए, ट्रेड्समैन बी एंड हेल्पर बी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस ऑफिशियल साइट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को भी रीड कर सकते हैं और सिलेबस को भी रीड कर सकते हैं। यहां पर देखिए डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन जो कि डाउनलोड हो जाएगा। हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। वैकेंसी के बारे में आप संपूर्ण डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ड्राफ्ट मैन सी की बात करेंगे, यहाँ पे आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, साथ में आपका 2 ईयर का RTI होना चाहिए, वो भी मैकेनिकल ट्रेड से। यहाँ पे स्ट्रीम दिया हुआ है मैकेनिकल से। अगर आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं लैब असिस्टेंट ए के लिए आपके पास साइंस स्ट्रीम में जो है कि इंटरमीडिएट आपका जो है कि कंप्लीट होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है कि एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। एज लिमिट आपकी जो है 27 साल। यहाँ पे आपका सिर्फ रिटर्न एग्जाम होने वाला है। इसी तरह सेम आप जो है कि ट्रेड्समैन बी के लिए देख सकते हैं, मैट्रिक आपका पास आउट है या उसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है तो भी, या तो 2 ईयर का आपके पास जो है कि RTI है वो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। एज लिमिट देखिए 27 ईयर है। हेल्पर की बात करेंगे, हेल्पर बी की मैट्रिक है तो पास आउट है या उसके इक्विवेलेंट आपकी क्वालिफिकेशन है और कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, रिटन एग्जाम होगा बस। अगर यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे तो जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन आप करना चाहते हैं अपना जो है कि रीजन देख लीजिएगा, किस रीजन में कितनी वैकेंसियां हैं, जैसे साउथर्न रीजन है, नॉर्थर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, तो किस कैटेगरी में और किस रीजन में कितनी सीटें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ से हम फॉर्म फिलअप का अप्लाई प्रोसेस देखेंगे। अगर आप सिलेबस रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ड्राफ्टमैन सी का सिलेबस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं जो कि ट्रेड्समैन बी का भी आप सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फॉर्म को फिल करने के लिए। हमारा रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो चुका है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल को फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट फर्स्ट नेम, तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग अपना नेम यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर मिडिल नेम है तो आप इसे फिल करेंगे, अन्यथा इसे ब्लैंक्स भी आप छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम है तो आप लास्ट नेम फिल कर देंगे। यहाँ पे फादर नेम फिल करेंगे, यहाँ पे मदर नेम फिल करेंगे। अगर फादर और मदर दोनों नहीं है तो आप यहाँ पे गार्जियन नेम फिल कर सकते हैं। जेंडर बताएंगे, मेल या फीमेल, तो अपने अकॉर्डिंग अपना जेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से आप डेट, मंथ और ईयर अपना सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी बताएंगे, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, तो अपने अकॉर्डिंग अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप दिव्यांग है 40% से अवेव मतलब ज़्यादा, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और इसकी डिटेल आप आगे प्रोवाइड करेंगे। अगर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। आइडेंटिटी डिटेल की बात करेंगे हम। यहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट करना कोई एक ID आपको देनी है, जैसे आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या गवर्नमेंट इश्यूज ID कार्ड, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी कोई आप एक ID प्रूफ आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल कर देंगे। यहाँ पे एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर फिल करेंगे, एक्टिव एंड वैलिड ईमेल ID फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे चेक मार्क करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारे मोबाइल नंबर पे हमें OTP प्राप्त हो गई और जो ईमेल आईडी पड़ी है उस पे भी हमें OTP प्राप्त हो गई। OTP को हम इसमें फिल करेंगे दोनों ऑप्शन को और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए कैप्चर कोड को इसमें फिल करेंगे और उसके बाद सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल पे फिल करेंगे। अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई भी आपको त्रुटि लग रही हो तो एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे आप क्लिक करके उसे करेक्शन कर सकते हैं। तो हमारा सारा डाटा ठीक है तो हम कैप्चर कोड को फिल करेंगे, सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे हमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त हो चुका है। अब फॉर्म को हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे देखिए यूजर लॉगिन वाला ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। अब जो आपने आईडी कार्ड सेलेक्ट किया था, जैसे आधार कार्ड हो गया या आइडेंटिटी कार्ड टाइप में, जैसे आप पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपने सेलेक्ट किया था, जैसे हमारे केस में हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया था, तो आधार नंबर यहाँ फिल कर देंगे, कैप्चर कोड को फिल करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगी। आप दोनों में से किसी एक का ओटीपी आप यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे हमारे मोबाइल नंबर का हम ओटीपी यहाँ पे फिल कर रहे हैं, कैप्चर कोड को यहाँ पे फिल करेंगे, प्रोसेस टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम फॉर्म में देखिए लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 स्टेप में हमें फॉर्म को कंप्लीट करना है। अगर आप नोटिफिकेशन को यहाँ पे रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले देखिए पर्सनल डिटेल आप फिल करेंगे, जो आपने रजिस्ट्रेशन का टाइम फिल किया था सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से चीजों को अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट कर दे रहा है, आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं अगर आपको कोई त्रुटि लगे तो। यहाँ पे देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th का आपको रोल नंबर फिल करना है। आपका क्लास 10th का जो भी रोल नंबर आप यहाँ पे फिल कर देंगे। मैं फॉर्म को डेमो पर्पस के लिए फिल कर रहा हूँ, आप रियल और एक्चुअल डाटा फिल करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो कर देंगे। एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस और जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों आपको फिल करना है, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों आपको फिल करना है। सबसे पहले अगर आपका एड्रेस लाइन फर्स्ट में अगर विलेज है तो आप विलेज फिल कर देते हैं, हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, अगर पोस्ट है तो पोस्ट फिल कीजिए। यहाँ पे अपने सिटी या टाउन का नेम फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नेम फिल करेंगे। यहाँ पे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, मल्टीपल स्टेट हैं, अपने अकॉर्डिंग जो आप सिलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड को फिल करेंगे। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पे चेक मार्क करेंगे, ये वाला डाटा इसमें कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे नेशनलिटी पे जो है कि हम इंडियन सेलेक्ट करेंगे। अल्टरनेट अगर आप मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा इसे जो है कि छोड़ भी सकते हैं। अगर आपका कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये वाला ऑप्शन जो है कि दिव्यांग लोगों के लिए, अगर आप दिव्यांगता यस करते हैं तो आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपको लिखने संबंधी कोई परेशानी है, अगर है जो दिव्यांग हाथ से दिव्यांग होते हैं उनके लिए है, अगर है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आपका जो फोटो का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा, फोटो नीचे सिग्नेचर, और यहाँ पे इसका डायमेंशन दिया हुआ कितने केबी से कितने केबी के बीच में आपको फोटो अपलोड करना है। आपका फोटो देखिए जेपीजी फाइल में रहना चाहिए, मैक्सिमम साइज जो है 50 KB तक, और सेम उसी तरह जो है कि सिग्नेचर आपका रहना चाहिए मैक्सिमम साइज जेपीजी फॉर्मेट में मैक्सिमम साइज 50 KB तक। फोटो और सिग्नेचर को हम अपलोड करेंगे, चूज फाइल पे देखिए आप क्लिक करके फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। फोटो के नीचे आप जो कि सिग्नेचर करिएगा, उसके बाद ही आप स्कैन करके अपलोड करेंगे तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट आएगा। और एक में जो है कि अपना सिर्फ सिग्नेचर अपलोड करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, आई एग्री वाले ऑप्शन पे चेक मार्क करेंगे और सेव एंड प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारा पर्सनल डिटेल देखिए फिल हो चुका है। अब जो है कि हम फिल अप एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रीजन बताएंगे किस रीजन से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग अपना रीजन जो है आप सिलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट अप्लाई, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग हम अपना पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी ऑफ रिटर्न एग्जाम, तो आप जो इसमें सिटी दी गई है इसमें आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है सिलेक्ट कर लिए हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल की हम बात करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टीजमेंट, तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट आपका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन, कब आपने क्लास 10th अपने जो है पास की थी उसकी डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, डेट मंथ और ईयर, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे, आपको मार्कशीट पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, तो अपने यूनिवर्सिटी या अपने बोर्ड का नेम यहाँ पे जो है कि आप फिल कर देंगे। यहाँ पे परसेंटेज, कितने परसेंट क्लास 10th में आपके बने थे उसे मेंशन करेंगे, और यहाँ बताएंगे फर्स्ट क्लास था, सेकेंड क्लास था या थर्ड क्लास था, तो अपने अकॉर्डिंग से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं जैसे इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा क्लास 10th पास आउट है तो भी आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिलेटिव एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, आप यहाँ पे मंथ में मेंशन कर देंगे, अगर नहीं है तो आप सिंपली जो है कि इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। तो आप मंथ में आप फिल करेंगे कितने मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस था। एप्लीकेशन फीस देखिए यहाँ पे नहीं लग रही है क्योंकि हमने SC कैटेगरी से सेलेक्ट किया है। यहाँ पे चेक मार्क करेंगे और जो है कि सेव स्टेप फर्स्ट एंड प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम जो कि सेकंड स्टेप को कंप्लीट करेंगे, नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा एक्सपीरियंस डिटेल फिल करने का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन का नेम, किस पद पे थे, कब से आपने एक्सपीरियंस आपका स्टार्ट हुआ, कब इसकी एंडिंग है, प्राइवेट था या गवर्नमेंट सेक्टर था, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे सिलेक्ट करेंगे।
अगर आपके पास एक से अधिक एक्सपीरियंस है तो ऐड एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसका पीडीएफ देखिए यहाँ पे आपको जो है कि अपलोड करना होगा। करने के बाद यहाँ पे सेव और सेकेंड स्टेप एंड प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड साइज आपको देखने को मिल जाएगा, आपका जो फॉर्मेट रहना चाहिए। एक तो देखिए सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ पे देखिए सेल्फ अटेस्टेड लिखा हुआ है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड करना है। पहले आप उसका फोटो कॉपी निकालेंगे, उसमें सेल्फ अटेस्टेड लिख के थोड़ा डैश दे के अपना सिग्नेचर करेंगे। सबसे पहले देखिए क्लास टेंथ की डिटेल आपको अपलोड करनी है, मार्कशीट 250 के भी तक, और उसके बाद जो है टेंथ की मार्कशीट आपको दोबारा अपलोड करनी है 250। इसी तरह आपको सारे डायमेंशन देखने को मिल जाएगा। अब नीचे यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए क्लास टेंथ की जो सर्टिफिकेट है, जिसके पास सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट अपलोड करेगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे मार्कशीट ही अपलोड कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैट्रिकुलेशन का जो है क्लास टेंथ की मार्कशीट अपलोड करेंगे। आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन थी, जैसे हमारी क्लास टेंथ इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे जो है कि उसकी मार्कशीट अपलोड कर देंगे। यहाँ पे कास्ट, जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर सेंट्रल जाती है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप उसे अपलोड यहाँ कर देंगे। आइडेंटिटी टाइप, जो आपने आईडी प्रूफ चूज किया था उसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड को स्कैन करके सेल्फ अटेस्टेड करके आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद देखिए सेव और नेक्स्ट स्टेप वाले प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। चीजों को एक बार अच्छे तरीके से मिला लेंगे, फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। हमने फॉर्म को अच्छे तरीके से मिला लिया है, सारे डिटेल आप हमारे ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें कोई भी फी पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि हमारा फॉर्म जो है कि फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। तो इस यहाँ पे देखिए नॉट अप्लीकेबल दिखा रहा है, पेंडिंग अप्लीकेशन इनकम्प्लीट दिखा रहा है, क्योंकि फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर लिए हैं। अब नीचे अगर आप फॉर्म में कोई त्रुटि लग रही हो तो एडिट अप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म को जो है कि आप एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा सब कुछ डाटा ठीक है, सबमिट अप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप प्रिंट कहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए व्यू प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर, इसे सेलेक्ट करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप अपना प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आप सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। दोस्तों मेरे वीडियो बनाने से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।